हैवमोर से भी ज्यादा अच्छी कुल्फी बना पाओगे आप अगर आपने इस रेसिपी को ट्राई किया तो। क्या हाल चाल है आपके? आज हम एकदम दानेदार कुल्फी बनाना सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें कढ़ाई में मिल्क डाल देंगे। मैंने करीब 750 ml मिल्क लिया है। अब हम इसमें से करीब 2 लीटर दूध एक कटोरी में निकाल देंगे और फिर हम इसमें 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डाल देंगे। ये मिल्क पाउडर बहुत इजीली अवेलेबल होता है हर जनरल स्टोर पे भी और डेरीज पे भी। आप या तो एवरीडे का ले सकते हो, अमूल का ले सकते हो और बहुत सारी कंपनीज आती है, आप किसी का भी ले सकते हो। ये जो दूध मैंने निकाला है ना मिल्क पाउडर के साथ मिक्स करने के लिए, ये ठंडा ही था। अब आप इन दोनों चीज़ों को एकदम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना। इसमें बिल्कुल भी लम्ब्स नहीं होने चाहिए। आप बीटर से भी मिक्स कर सकते हो, चम्मच से भी कर सकते हो या फिर फोक से भी कर सकते हो। बस ध्यान रखना इसमें लम्ब्स ना हो। और अब हम इस मिक्सचर को ल्यूक वार्म मिल्क में डाल देंगे और फिर हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इस मिक्सचर को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और आप हर 2-2 मिनट में इसको स्टर करते रहना। उससे क्या होगा कि आपके जो दूध है ना वो जलेगा नहीं नीचे से। आप चाहो तो इसे हाई फ्लेम पर भी कुक कर सकते हो, पर उसके लिए आपको इसे लगातार स्टर करते रहना पड़ेगा। मैंने तो इसे 1/4 रिड्यूस होने तक पकाया है, उससे ये बहुत ज़्यादा क्रीमी बनी थी। इसे करने में मुझे कम से कम 20-30 मिनट्स लग गए थे। हमें कढ़ाई की साइज़ भी स्क्रेप करते रहना पड़ेगा क्योंकि साइज़ में भी मलाई बहुत ज़्यादा जम जाती है। अब देखो दूध आधा रिड्यूस हो चुका है, तो अब हम इसमें 2 चम्मच भरकर चीनी डाल देंगे। मैं तो इसको 1/4 रिड्यूस करूँगा, इसलिए मैंने थोड़ी कम चीनी डाली है। अब हम इसमें इलायची का पाउडर भी डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 2-3 इलायची को कूट के इसमें डाल दिया था। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 5-7 मिनट और पकाने के बाद हमारे यह रबड़ी का मिक्सचर एकदम रेडी हो गया है। अब हम गैस बंद करके इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आप देख रहे हो ठंडा होने के बाद हमारा रबड़ी का मिक्सचर कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, कितना ज़्यादा दानेदार लग रहा है ये। अगर आपको इस टाइम पे इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करनी है तो आप इसमें 1-2 चम्मच दूध डाल के इसे थोड़ा सा पतला कर सकते हो। मेरे पास तो वो कुल्फ़ी के मोल्ड्स नहीं थे, इसलिए मैं इसे कटोरी में ही जमाने के लिए रख रहा हूँ। अगर आपके पास हो तो आप उसमें जमाने के लिए रख सकते हो। और 3-4 घंटा फ्रीज करने के बाद ये देखो आप कितनी अच्छी सेट हुई है हमारी कुल्फ़ी, कितनी ज़्यादा दानेदार लग रही है। आप कटोरी को बाहर से थोड़ा सा पानी में डिप कर लेना और उसके बाद आपकी कुल्फ़ी आराम से निकल जाएगी कटोरी में से। अब हम इसे कट कर लेंगे और ये हो गई आपकी कुल्फ़ी एकदम रेडी। इसको एक बार बनाना तो 100% बनता है इस समर्स में, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा अच्छी बनती है ना यार। इसके रिजल्ट्स देख के मैं खुद ही चौंक गया था। हैवमोर से भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है ये। तो यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना और वो घंटी भी बजा देना। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। बाय बाय।